सर ये 16 प्लेटिनियम मॉडल है 4+2, ठीक है। इस मशीन का सीरियल नंबर है 54 कि इसका, ठीक है। मैं आपको ये इसकी पैकिंग हो रही है, पैकिंग करके बता देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसको पैक कर रहे हैं, तो इसके जो वाल है वो वाल निकाल देते हैं, वाल निकाल देते हैं। देखिए वाल किस तरह से निकालना चाहिए, पीछे की जो पिन है वो पिन खोलनी है आपको इस तरह से, ये सॉकेट है और ये पीछे से पिन खोली और ये निकल गए, ठीक है। इस तरह से सब सभी निकलेंगे, हम निकाल के बता देते हैं। देखिए दूसरा ये निकाल दिया है, ठीक है। ये पिन खींच लीजिए और ये पिन इसमें वापस लगा दीजिए। इसी तरह से सब चारों निकाल लें, ठीक है। दो निकल चुके हैं और दो निकाल देंगे। देखिए सर चारों जो वाल है हमने निकाल दिए हैं, देख सकते हो आप, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। ये मशीन में डाल दिए जाएंगे। मशीन के अंदर ये देखो फ्लेवर के जो स्टिकर है वो स्टिकर इसके अंदर ही रखे हुए हैं, ठीक है। वाल के स्टिकर है ये हमने अंदर मशीन में डाल दिए है, ठीक है। और वाल भी डाले जा रहे हैं, देखो चारों वाल सही सलामत रख रहे हैं अंदर। ये 3 आ चुके हैं, ये 4th, ठीक है। चारों वाल सही सलामत आ चुके हैं अंदर। आपका डबल रेगुलेटर है, देख सकते हो, खोल के बता रहे हैं हम आपको। देखिए डबल रेगुलेटर, देखिए डबल रेगुलेटर है, देख सकते हो आप, ठीक है। कहीं से डैमेज नहीं है और देखिए वाइसर भी लगा हुआ है, इसको वापस पैक कर दो। आपको दिखाने के लिए हमने निकाला था, ठीक है। ये पैक हो चुका है, ये भी मशीन के अंदर डाल रहे हैं। ये स्पेयर पार्ट किट है, इसमें क्या क्या सामान आता है वो मैं हमको बता देते हैं। देखिए एक पीसीबी निकली, ये एक सेंसर है, ठीक है। एक सीओटू की चाबी है, ये जम्बूर है, ये स्क्रू ड्राइवर है, ये टेस्टर है। देखिए टेस्टर, ठीक है, निकाल के बता देता हूँ, ये टेस्टर है, इसको वापस पैक कर रहे हैं, ठीक है। ये स्क्रू, ये चाकी पाना है, देखिए सर ये ओरिंग है, ओरिंग है और ये 133 के क्लेम है, ठीक है। और ये टाइफन क्लेम है, ठीक है। ये सब हम पैक कर रहे हैं थैली में। और इसमें कॉलर वाइसर भी है, देखिए ये कॉलर वाइसर है, ये 4 कॉलर वाइसर है, बाकी ओरिंग है। देखिए देख सकते हो ये सब अंदर डाल रहे हैं, थैली के अंदर पैक कर रहे हैं। इसमें हम जो ओरिंग में हमने आपको बताई थी वो ओरिंग सब इसमें डाल दिए थैली में, ठीक है। और इसके साथ में जो सामान हम डाल रहे हैं, देखो चाकी पाना, ये जम्बूर है, ये टेस्टर, ये स्क्रू ड्राइवर, टेस्टर, ये सीओटू की चाबी, ये सेंसर, देखिए सेंसर, पीसीबी, ठीक है। ये स्पेयर पार्ट किट बन गया है, इसको हम मशीन में डालते हैं। देखिए मशीन में डाल दिया हमने, ये आपका रेगुलेटर भी आ गया है और मशीन में, और वाल भी डाल दिए, देख सकते हो आप, ठीक है। देखिए वाल की मुरली लगी हुई है और ये मुरली अलग है, देखिए
ठीक है। ये ड्रेनेज की पाइप है, और भी चीज़ बता देते। देखिए मूली हमने मशीन के अंदर रख दी है, ठीक है, देख सकते हो आप, ये मूली हमने मशीन में डाल दी है। इसके ऊपर का ढक्कन लगा दिया सर जी, और देखिए ये भी हमने बाल रखने के लिए जो आता है तो हमने इसमें लगा दिया है, ठीक है। देखिए सिरप टैंक देख सकते हो आप, चार सिरप टैंक आएगी तो हम चारों डाल रहे हैं। एक सिरप टैंक आ गई है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये तीन सिरप टैंक हो गई है देख सकते हो, और ये चौथी सिरप टैंक ये आ गई। तो चार सिरप टैंक आ चुकी है, चार सिरप टैंक आ चुकी है, और दो सिरप के कैरवे ये देखिए, देखिए दो सिरप के कैरवे आ गए हैं देख सकते हो। तो हम अंदर चेक कर देते हैं। देखिए सर इसमें मेल फीमेल लगा हुआ है देख सकते हो आप, ठीक है। ये आपका बोर्ड है, वो का जो बोर्ड है उसका मेल फीमेल यह है, उसका सीरियल नंबर है 54, सीरियल नंबर है 54। और देखिए ये फ्लेवर का बॉक्स रखा है ये, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में जो सामान आता है उसमें बॉक्स फ्री है, ये फ्लेवर का है। देखिए आगे से मशीन फिट कर रहे हैं ढक्कन, ये मशीन आपकी फिट हो गई यहाँ से, ठीक है। और ये प्लेट भी लगा देते हैं। देखिए सर आगे ये प्लेट लग चुकी है, ठीक है। अब ये नल के ऊपर के जो प्लास्टिक के लगे हुए हैं ये हम खोल देते हैं, ये टूटे ना इसके लिए। सीधा भी खोलते हैं तो बोर्ड चाहिए। देखिए निकल चुके हैं दोनों नल के, अब ये मशीन के अंदर डाल रहे हैं, ये मशीन के अंदर डाल दिया मैंने, ठीक है। देखिए सर ये आर्मर से पैक हो चुकी है, अभी ऊपर से भी पैक कर देते हैं, ठीक है। देखिए सर आपकी मशीन पैक हो चुकी है आर्मर से, आपको लेमिनेशन से पैक करेंगे। देखिए सर आपकी मशीन पैक हो चुकी है लेमिनेशन से, इसका सीरियल नंबर मैंने डाल दिया है, सीरियल नंबर है 54 देख सकते हो। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 54, देखिए 54 सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मशीन पैक हो चुकी है कम्प्लीटली, ठीक है, देख सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।